अंकित अभी गई जी। मोबाइल का नॉर्मल गेम प्ले भाई मुझे पता है तुम्हें हर एक यूट्यूबर दिखा के बोर वगैरह कर ही देता होगा, पर तुम्हें पता होगा आजकल हम जाने जा रहे हैं भाई गर्ल गेमर वाले कंटेंट के लिए, क्योंकि हर एक बार हमारे मैच में कोई ना कोई गर्ल गेमर आई रही और जो कि भाई बहुत बुरा पिल के जा रही कसम से। इस मैच में भी एक लोंडी आई जिसने भाई सावन को प्लेन पर 2-3 गाली दे दी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। अब उस लड़की का नाम था अंकिता और भाई सावन ने मुझे बोला कि नहीं लेजेंड यार इस चीज़ का तो बदला लेना होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा भाई सावन लड़कियों को प्लेन वगैरह भेजता रहता है और आई थिंक सो यार ये उनमें से कोई लड़की होगी जिसको सावन ने प्लेन नहीं भेजा होगा। सच कहूँ ना भाई मैं गर्ल गेमर वाला कंटेंट नहीं बनाना चाहता, वरना फिर तुम मुझे बाद में गाली दो के भाई तुमने उस बालिका को क्यों मार दिया इतना बुरा। बालिका और लड़कियों की बात भाई बाद में करेंगे, अभी फिलहाल मैंने सामने एक बंदा नॉक कर दिया था और उसका टीममेट भाई इतना खतरनाक था ना, उसके हाथ में थी शॉटगन। मैंने यहाँ पे एक बंदे को नॉक करा, इसके दूसरे वाले बंदे को मैंने पेल दिया, पर तीसरे बंदे के हाथ में थी भाई शॉटगन, वो क्लोज रेंज में गोड गन है यार, उसके आगे मत जाया करो। अब जब इस बंदे ने मुझे नॉक करा था ना तो यार बात मेरी इज्जत पे आ गई थी, मैंने सोचा कि भाई मैं अंकिता से तो नहीं पिल गया, और मुझे पता था कि इस मैच में मुझे अंकिता को जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से भरना है, क्योंकि भाई हमारे साथ के टीममेट को कोई प्लेन पे ऐसे गाली देकर भग जाए ऐसा हम होने नहीं दे सकते। अब जितने भी बंदे जॉर्ज पुल में उतरे थे उनमें से हमने भाई ऑलमोस्ट सबको ही मार दिया, बिल्कुल जॉर्ज पुल क्लियर कर दिया था। अभी फिलहाल मेरे पास हीलिंग वगैरह भी नहीं बची थी, पर थोड़ी देर बाद मुझे भाई टीममेट वगैरह से मांग के हीलिंग मिली जाती है, क्योंकि मैंने सावन को कहा था, मैंने कहा भाई तब ही लूंगा तेरा बदला उस लड़की से जब मुझे हीलिंग देगा, और इसने मुझे हीलिंग भी दे दी। अब यहाँ पे जब हमने भाई प्लेन पर उस लड़की का नाम देखा था ना तो भाई उसके पास था भाई सीजन 10 का कॉन्करर फ्रेम, तो वो कॉन्करर गर्ल गेमर है और वो हमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से भर सकती है। तो इसलिए जो है भाई मुझे शूटिंग रेंज में एक फ्लेयर चली हुई दिखाई देती है, अब मैं फ्लेयर पे आ जाता हूँ मिरमे के साथ इन बंदों को मारने, क्योंकि अगर मेरे पास फ्लेयर की गन होगी तो मेरे अंदर भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा उसे मारते वक्त। यहाँ पे मैंने एक बंदे को पहला जो कि फ्लेयर पे आ रहा था और दूसरा बंदा भी पिक करता है तो इसे भी नॉक कर देता हूँ मैं। अब मैं सोचता हूँ इस बंदे को जो है यार M249 वगैरह मिली होगी, भाई मैं अंकिता की स्क्वाड को सोलो वर्सेस स्क्वाड पेल दूंगा M249 ठाके, बट इसे ओग मिली थी। ओग भी भाई एक अच्छी गन है अगर तुम लॉन्ग रेंज में यूज़ करो स्प्रे के लिए। अगर तुम भी कभी भाई मेरी तरीके से ड्रॉप से ओग उठाते हो ना तो मैं तुम्हें बता दूँ ये गन भाई क्लोज रेंज के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी, ये एक बंदे से ज़्यादा को नहीं मार सकती, हद से दो बंदों को मार देगी क्लोज रेंज में। भाई क्लोज रेंज में इतनी बेकार गन है, मतलब इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा कम है यार, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा M4 से भी कम डैमेज है इसका क्लोज रेंज में। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न करना चाहूँगा कि अगर तुम भाई कभी भी ओग उठाते हो तो इसे स्प्रे के लिए यूज़ करना भाई, इसके अंदर से जो स्प्रे निकल रहा है ना वो बिल्कुल हैकर वाला लेज़र टाइप निकलता है। यहाँ पे कुछ बंदे थे जो कि भाई हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब हम आए और कब ये हमारी पेटी बनाए, पर ऐसा नहीं हुआ भाई, तुम यहाँ पे पेड़ के पीछे खड़े हुए हिलाते रहो जाए रहो और हम तो भाई तुम्हें फिल पुल के चलते हैं। अब फिलहाल इन बंदों को तो हम मार देते हैं, इन बंदों के पास से भाई कुछ खास सी लूट भी नहीं मिली, ये हमारी ही ताक में थे, ये सोच रहे थे कि हमें लूट लेंगे पर बेचारे खुद ही लूट गए। अब फिलहाल इन बंदों को ढूंढते ढूंढते भाई मेरी बग्गी में आग वगैरह लग गई थी और मैं आता हूँ स्कूल की तरफ। और स्कूल पे हमें भाई ये गाड़ी वाले बंदे मिलते हैं, इस वाले 1v4 के लिए भाई इस वाली वीडियो पे 70,000 लाइक्स हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता भाई मैंने आज तक गेम नहीं रखा, आज मैं एम रख रहा हूँ 70,000 लाइक्स का, अगर तुमने कर दिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, अगली बार भी रखेंगे।
यहाँ पे जैसे ही भाई मैंने इन बेटी चोद बंदों को मारा तो लिटरली मैंने भाई ने लूटा भी नहीं था अभी तक, इतने में यहाँ पे भाई एक और गाड़ी आ गई फुल स्क्वाड। अब इन बंदों की चोट देख के भाई मुझे लग रहा था ये बंदे रुकेंगे और मेरी फट गई थी सीरियसली, मैंने सोचा ये सामने रुकेंगे और भाई अभी तो मतलब हमने एक स्क्वाड से फाइट ली और बैक टू बैक हमारे ऊपर रश हो रहा है तो भाई हम मरेंगे, तो मैं क्या करता हूँ एक प्रीनेड फेंक देता हूँ, पर वो बंदे भाई इतने ज़्यादा फट्टू से निकलेंगे, भाग गए भाई वो तो, पर वो बंदे भाग गए और भाई कुनेट लेके गए थे। तो तुम्हें पता होगा भाई अगर कोई हमारे उंगली करेगा तो यार हम हाथ डालने में यकीन रखते हैं। अब मैंने उठाई अपनी दोबारा से गाड़ी और भाई इन बंदों पर ले जाके कर दिया पुश। ये बंदे जो है भाई बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, ये इस वाले घर की छत पर आके कैंप वगैरह करने लगे। एक बंदा मुझे सबसे पहले ऊपर दिखा और मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी। अब जब भी मैं किसी स्क्वाड पे पुश करता हूँ तो मोस्ट ऑफ दी बंदे मेरे से पूछते हैं कि भाई तू एनर्जी ड्रिंक क्यों मारता है। भाई मैं तुम्हें कहना चाहूँगा यार तुम भी मार लिया करो भाई, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, एक पॉइंट पर तुम्हारी एक HP भाई हमेशा बचा लेगी। अब पहले मैंने एक छत वाले बंदे के ऊपर नेड फेंका भाई, जिस नेड में कुछ भी नहीं हुआ, पर यह बंदा बाद में मेरे सामने खुद ही आ गया मरने। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने जैसे ही नॉक करा तो इसकी टीम के अंदर भाई एक हबड़ा दबड़ी सी मच गई, यहाँ पे सबके फुटप्रिंट आने लगे और वो भाई बिल्कुल पैनिक कर गई कि उनका एक बंदा छत पे नॉक है, अब वो उसे रिवाइव कैसे देंगे। तो इसी चीज का फायदा उठाया तुम्हारे भाई ने, अपने टीममेट से लिया नेड और भाई बिल्कुल सेकंड फ्लोर पर कर दिया जहां से फुटप्रिंट आ रहे थे। अब देखते ही देखते दो बंदे इनके और नोक हो चुके थे, तो भाई ये सबसे बढ़िया मौका था यार पुश करने का। अब सबका बदला लेगा फैजल भाई, इसकी तो फटके चार हो गई, मतलब कसम से कह रहा भाई इसका नाम फैजल ही था। और भाई मुझे गैंग्स ऑफ वसेपुर का सिर्फ एक ही डायलॉग याद आया इसे मारते हुए कि सबका बदला लेगा फैजल, और कसम से बहुत ही गंदी गाली पड़ी होगी माँ बहन की फैजल को, अरे बेटी चोद फैजल तेरे बस का कुछ है ही नहीं था यार, मतलब बहुत गलत मर गया यार यहाँ पर तो फैजल भाई। सबसे ज़्यादा बुरा तो भाई सांप के लिए लगा जो मैंने अभी गाड़ी से कुचल के मार दिया भाई, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं लगा कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई सांप भी आ गया। तो जगह जगह पे भाई तुम्हें सांप वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे पबजी मोबाइल में, तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक आधी व्हीकल कैरी कर लिया करो भाई, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, मतलब अगर कोई सांप सूप हुआ ना तो भाई सीधा चढ़ाओ और निकलते बनो। अब फिलहाल हम तुम सोच लोगे कि भाई ये यसनाया पनीर लाने की तरफ क्यों आ गए, मैं तुम्हें बताऊँ इसका सिंपल सा रीज़न है, यहाँ की तरफ चली थी भाई एक फ्लेयर, हम फ्लेयर पर जा रहे थे पर कुछ बंदे भाई हमारे से तेज थे और थोड़े एडवांस थे। अब यहाँ पे इन बंदों को बताना भाई हमने कैसा मारा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वाले मैच को भाई मैं बिल्कुल भी सीरियसली नहीं खेल रहा था, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने अपने टीममेट्स को कहा था कि आओ फन के लिए गेम खेलते हैं, और वो अंकिता नाम की लड़की आई भाई और उसने मेरे टीममेट को भाई गाली गोली बक दी प्लेन पर, कह दिया कि यो वो अलाना फलाना डिगड़ा इस क्लैन का तू उस क्लैन का, रवि के क्लैन को भी भाई कुछ कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ भाई मेरे से भाई सहन नहीं हुई बिल्कुल भी। फिलहाल मैं इतना सीरियस इस मैच को इसीलिए खेल रहा था क्योंकि भाई मुझे उस लड़की की पेटी बनानी थी, और वो लड़की जो है भाई अपने टीममेट के ऊपर चोट रही थी क्योंकि उसके टीममेट भी भाई थोड़े कॉन्करर प्लेयर थे, तो देखना भाई उसे कैसे मारते हैं। अभी फिलहाल हम आते हैं एक फ्लेयर की तरफ जो कि इधर की तरफ पड़ी थी, और ये बंदे भाई इतनी दूर दूर फ्लेयर क्यों चलावे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई आज तक ये बात। अब यहाँ पे फ्लेयर की तरफ तो भाई मैं आ गया था पर मेरी एक गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था, वो तो मुझे रास्ते में एक डासिया मिल गई जो कि काम आई मेरे यहाँ तक आने में, पर इतने में जो है भाई बंदे फ्लेयर लूट के चले गए थे। अब यहाँ पे मैं पूरे में देख लेता हूँ भाई मुझे कोई नहीं मिलता, पर मुझे सामने एक कंपाउंड मिलता है और यही थे भाई वो फ्लेयर वाले बंदे। यहाँ पे मैंने दो बंदे नोक कर दिए थे और मैं सोच रहा था कि भाई लास्ट वाली बंदी बस यो अंकिता हो और भाई इसे मारूं और मैं खत्म करूं खेल इसका। लास्ट वाला भाई कोई बंदी बुंदी नहीं थी, वो एक चाचा था, अभी भी भाई शायद से वो लड़की बच रही होगी, अभी उसका किल फीड तो आया था थोड़ी देर पहले।
अभी जो है टोटल यार इस मैच में पूरे 7 बंदे लाइव हैं, जिसमें से कि 3 हमें और एक पूरी स्क्वाड है। आई थिंक सो भाई वो उसी लड़की की स्क्वाड होगी जो कि भाई सावन को बतिया के गई है, बिल्कुल झाड़ दिया भाई उनने, सावन की बहुत बेइज्जती करी थी प्लेन पे। वो तो जरा मेरी भाई प्लेन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी, वरना मैं तुम्हें सुना था। सल्लू भाई ऑन फायर भाई, यो लोंडा सच में ऑन फायर था भाई। इसने क्या करा, 3-सीटर लाया और इधर की तरफ आके शेख के पास रुक गया। अब इसकी गाड़ी की मुझे आवाज आई और भाई मैंने से पेल दिया कसम से भाई। सल्लू भाई ऑन फायर ऑलवेज ब्रो। अब ये जो अंकिता थी ना भाई, तुम इसे एक तरीके से विनोद की गर्लफ्रेंड भी कह सको, मुझे तो ऐसा ही लगा था भाई, क्योंकि प्लेन पे तो भाई इतनी बोल रही थी और जब मेरे सामने आई ना तो इसका और इसकी टीम का भाई मैंने ऐसा भूस भरा, तुम खुद देख के कहोगे अब यहाँ पे कि भाई लेजेंड क्या ही कर दिया तुमने, मजा ही आ गया यो गेम प्ले देख के। यहाँ पे इधर मुझे ओपन में कुछ बंदे भगते हुए दिखते हैं और भाई यही थे वो गल गेमर के चेले, और गल गेमर भी इन्हीं में ही थी। यहाँ पे मैंने एक बंदे को ओग से नोक करा, उसके बाद भाई 2-3 प्रीनेड फेंक दिए सामने के भाई, अगर कोई रिच पे सांप सूप बन गया हो तो शायद से मर जाए। भाई लिटरली भाई कसम से मजा ही आ गया भाई इस लड़की को मार के, मुझे पता था भाई ये नूबड़ी सी ऐसे ही करेगी, ये सांप ही बनेगी, इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितने भी ये कोंकरर वाले हो ना, ये पहले तो भाई लड़की है कैंप करके सैग सूग में भाई पहुंच जाएंगी कोंकरर, ठीक है। अब ऑफेंड मत हो जाना, अगर तुम कोई प्रो गर्ल गेमर याली वीडियो देख रही हो तो तुम ऑफेंड मत हो ना, पर याली जो भाई अंकिता नाम की लड़की थी ना, ये सीरियसली भाई बहुत ही ज्यादा बेकार थी, नूबड़ी सी पड़ रही भाई। प्लेन पे ने कितना बोला था यार, मतलब नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा ये चैलेंज कैसे देते हैं प्लेन पे, बिल्कुल गलत ही तरीके से। जब इन्हें पता हो कि हाँ पेटी बनवानी है तो बनवानी है। अब यहाँ पे तुम हमारे एक तरीके से सस्ते नशे भी देखना, इस लड़की की तो हमने पेटी बना दी, अपना मिशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें एक फर्स्ट एड पड़ी हुई दिखती है और भाई हम तीनों बंदे ऐसे पुश करते हैं ना इसमें, जैसे कि यहाँ पे रियलिटी में बंदा हो, देख रहे इसे क्या सस्ते नशे। और देखते ही देखते भाई ये गेम प्ले 30 किल का गेम प्ले बन गया, क्योंकि मैं इस मैच में बहुत ज़्यादा सीरियसली खेल रहा था, तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हारे से मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि भाई बात जो है यार अपने क्लैन की इज्जत पे थी और अपने टीममेट की इज्जत की थी। तो होप सो गाइस तुम्हें आज खेल गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लेवल आई कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे किसी एक और नई गेम प्ले वीडियो में किसी एक और गर्ल गेमर वाले कंटेंट के साथ। अगर मुझे कोई इस बारी लड़की मिली तो भाई मैं उसे दोबारा से बहुत ही ज़्यादा बुरा तड़पा के मारूंगा, ठीक है। और यही था आज की इस वाली वीडियो में, होप सो तुम्हें पसंद आई होगी। बेस्ट पार्ट बताना भाई, कसम से कह रहा मेरा बेस्ट पार्ट वही था जब वो नूब की तरह सांप बन रही थी ना, पहले तो प्लेन पे चैलेंज दे रही इधर आओ उधर आओ, और जब हम भाई उसके सामने आए तो सांप बनने लगी, गलत ही सीन। और पहली बार जो है मैंने भाई वाली वीडियो पर लाइक का एम रखा है, तो अगर हो सके तो भाई 70,000 लाइक्स करा देना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा क्लोज है भाई 2,00,000 फॉलोवर्स के। मुझे पता है तुम करा दोगे, तुम ओपी हो एकदम खतरनाक, भजड़ मचा दो जाओ।